नगर निगम और नया बाजार व्यापारी संघ के बीच टैक्स को लेकर चल रही जद्दोजहद के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम अधिकारियों और व्यापारी संघ के सदस्यों की महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें व्यापारियों ने अपने गणना के अनुसार कर की राशि नगर निगम के अधिकारियों को बताई, तो वहीं नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा भी नियमों और कानून के तहत कर की राशि बताई गई। इस बैठक में यह तय हुआ कि व्यापारी संघ के सदस्य अपना एक आवेदन नगर निगम को सौंपेंगे, जो नगरीय प्रशासन विभाग को दिया जाएगा, और नगर निगम व्यापारी संघ की ओर से सरकार से इन्हें राहत देने की मांग करेगा। नया बाजार व्यापारी संघ के साथ आज बैठक की थी। नगर निगम के हिसाब से लगभग 38 करोड़ रुपए की प्रीमियम और बाकी की राशि उन दुकानदारों से लेनी है, परंतु उनकी आपत्ति थी कि जो कैलकुलेशन किया गया है, जो गणना की गई है, वो ठीक नहीं है। तो आज उनके एडवोकेट्स के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम और व्यापारी संघ के बीच में बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अपने कागजात दिखाए और उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए वो उनने दिखाया। नगर निगम ने अपने जो शासन के आदेश हैं और जो एक्ट कहता है उसके हिसाब से कागज़ दिखाए। अंततः यही तय हुआ कि वो जो चाहते हैं वो कागज़ हम लोगों को आज बनाकर देंगे और उस कागज़ को हम लोग तत्काल रूप से शासन को पुनः भेजेंगे कि उसमें सरकार रिव्यू करे। 2012 में जो आपने गणना के आदेश दिए थे, जो प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया में अगर कोई बदलाव संभव हो, उनको राहत मिल सकती हो तो राहत प्रदान करें। यह पत्र नगर निगम से हम लोग आज ही आयुक्त महोदय के माध्यम से ये बैठक के बाद जारी करेंगे। जैसे ही इनका आवेदन अभी आएगा, जो आज बैठक में तय हुआ है, उसका एक कागज हमारे पास आएगा, हम लोग तुरंत करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मंत्री जी और हमारे जो ACS हैं या PS विभाग के हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनको समय दें, जिससे हमारे व्यापारी अपना पक्ष रख सकें। नगर निगम ने तो अपना पक्ष रखा ही है, ये भी अपना पक्ष रखें और एक निर्णय करके शासन अपना आदेश कर दे, जिससे कि कोर्ट में भी जो बात लंबित है वो उसका समापन हो, व्यापारी बंधुओं को भी राहत हो और नगर निगम के कोष में भी रुका हुआ पैसा आए, जिससे कि हम शहर विकास को और भी गति दे सकें। कितना राहत मांगा है इसमें अगर देखा जाए तो? सब दुकानों के अपने अपने कैलकुलेशन हैं, उनके निर्माण अलग अलग हैं। किसी दुकानदार से 70 से 80 लाख रुपए लेना है, कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि जिनसे 25 लाख 30 लाख और 5 लाख रुपए भी लेना है। ये 200 वर्षों से लंबित है और मैं चाहता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द इन सभी व्यापारी बंधुओं को नया बाजार के राहत प्रदान करें और नगर निगम का कोष शहर विकास के लिए उपयोग में आ सके। टूटेंगी क्या दुकानें अगर कंपाउंडिंग में मनी करते? अगर शासन के आदेश जो आते हैं और उस आदेश का पालन अगर व्यापारी बंधु नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को कार्रवाई फिर उसके बाद करना होगी।